तरुण गिल की वो ले लूं, क्लासेस लेनी शुरू कर दूं कि प्रोटीन शेक पियो तो विस्की में पियो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में वादा करा था कि आज मैं जाऊँगा बुलेट की सर्विस करवाने के लिए। एक्चुअली आज बहुत काम है, पर सारे काम करेंगे, आज एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो पहले चलते हैं बुलेट की सर्विस करवा के आते हैं, क्योंकि मतलब ये काम बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से, जिस आलस की वजह से भाई रैपिड कर करके या ओला बाइक करके कैब करके ही जाना पड़ रहा है, तो जब चीज़ खड़ी ठीक ही ना करा ले, चलते हैं उसको ठीक करा के आते हैं। बोले यार चेन सेट ख़राब है इसका, वही 4000 रुपये खर्चा होगा बेफालतू का। बाइक दे दी मैंने सर्विस को और कह रहे हैं कम से कम 2.5-3 घंटे लगेंगे और 5000 का खर्चा अननेसेसरी, ठीक है। क्योंकि जिसे अनाड़ी को देते हैं ना चलाने कोई भी चीज़, तो उससे भी ख़राब होता है। नया ही चेन सेट था, वो टूट गया, इसका भी दुख लग रहा है। सुबह एक काम और ख़राब हो गया, उसका भी दुख लग रहा है। और तो चलो क्या कर सकते हैं, जो चीज़ किस्मत में लिखी है ना वो चीज़ होनी ही है, कोई भी नहीं डाल सकता यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, तो होना ही है। नुकसान अगर तय है तो होके ही रहेगा। अभी तो नहाया भी नहीं था, बस मैं पहले सोचा पहला काम यही कराऊँ और इस पर सब करा के फिर इस पर एकदम अच्छे से रख दूँ। कोई फ़ायदा नहीं है यार किसी को देख के अपनी चीज़, जो संभाल ना करे, ठीक है, उनको दो। जैसे सबको, जैसे आपकी चीज़ है, अगर मैं वो मुझे आप दे रहे हो तो मैं उसको अपनी चीज़ की तरह रखूँ। पर कई लोग होते हैं कि अगर किसी और की चीज़ है वो ऐसे चलाता है जो फ्री की चीज़ मिल गई तो बस, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह ही तो नुकसान हो गया आज पहले और अब भी, कोई बात नहीं। राजा साहब तो फिर भी राजा साहब रहेंगे ना, इतना इतना थोड़ा थोड़ा सा दुख देख के थोड़ी राजा साहब रो पड़ेंगे। अरे बहुत दुख देखे हैं, तो चलो वेट करते हैं। अभी तो 2.5-3 घंटे कह रहे हैं ये, बाकी देते हैं कब तक होता है। यहाँ पर खाने पीने को बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, भटूरे या ये वो अपन खाएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक शेक वाला दिख गया, तो वहाँ पर पपीता शेक ही पीते हैं भाई। और कोई शेक मुझे अच्छा नहीं लगता है, पपाया शेक पीना शुरू करा ना, पपीता कह रहा हूँ, पपाया शेक पीना शुरू करा, तो चलो वही पीते हैं। अभी 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, अभी 1 घंटा और लगेगा। और वैसे तो घर यहाँ पर पास में ही, इतना तो मैं चलता भी रहता ना। मैंने एक व्लॉग में अपने फ्रेंड की शॉप दिखाई है ना, वो तो बस यहाँ 2 कदम दूरी पे है, पास में ही है। पर इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं अभी थक गया फिर और काम बहुत है, जिम भी जाना है, फिर थकावट हो जाती है। तो सोच रहा हूँ रहने दो यहीं बैठ। मम्मी का भी फ़ोन आया कि आजा रोटी खाने की, पास में ही तो आएगा, तो मैं नहीं आता, फिर चल के जाओ, फिर चल के वापस आओ, तो मैं तो नहीं आ रहा भाई, तुम खाना खा लीजिएगा। तो क्योंकि ना जब मैं कर रहा हूँ तो मम्मी वेट करते रहते हैं, इतना भी लेट हो गई तकरीबन मेरे साथ ही खाना खाते हैं, क्या पता चुपके खा भी लेते हैं, क्या पता। नहीं नहीं मजाक कर रहा, ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, नहीं मैं खाती मम्मी, मेरे साथ खाते हैं मम्मी खाना। तो अब फटाफट से करवाते हैं इनके सिर पे बैठ के काम और फिर चलते हैं। सो फाइनली घर तो मैं आ चुका हूँ और इतना ज़्यादा थकावट होगी, 2-2.5 घंटे वहाँ पर खड़ा रहा और नहाया भी नहीं, अभी गर्मी भी बहुत है। तो पहले ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद ही नहाऊँगा, पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर नहाऊँगा, फिर थोड़ी रेस्ट करके फिर जिम जाऊँगा। और बॉडी भी स्टिफ है ना, कल फर्स्ट टाइम गया था इतने दिनों के बाद, तो बॉडी भी दुख रही है आज। चलो कोई बात नहीं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गए नहाने दोनों तो कर दी मैंने कैंसिल और मैं भी आया था घर पर, और अब निकल चुका हूँ जिम के लिए थोड़ा सा रेस्ट करके। हाँ तो अपना 1 घंटा रेस्ट करा और मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। और वैसे ना कुछ सुबह से टेंशन है, जिसकी वजह से आज बिल्कुल भी मूड नहीं है व्लॉग बनाने का। पर मैंने सोचा कि थोड़ा ही सही, कुछ सही तो बनाऊंगा ज़रूर, छुट्टी नहीं मारूंगा, क्योंकि टेंशन तो ऐसी कौन किसकी लाइफ है जिसमें टेंशन नहीं होती। टेंशन है कुछ ज़्यादा ही है तो मैं इतना अपसेट हूँ, मतलब छोटी मोटी टेंशन तो चलती रहती है। पर चलो खैर, ये काम तो नहीं छोड़ सकते ना, अपनी छोटी फैमिली को तो दिखाना ही है जहाँ हम जा रहे हैं। ब्रेक टाइम को सभी ये कहते हैं कि हाँ ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, भाई नहीं यार, जिस टाइम खुदा ना खास्ता ज़्यादा इमरजेंसी पड़ी उस टाइम ब्रेक के बारे में सोचती है, अभी तो कुछ ख्याल नहीं है ऐसा। नहाने से ज़रूर ब्रेक ले सकता हूँ, आज मन ही नहीं कर रहा नहाने का। और जिम भी मैं इसलिए आया कि अपने आप से वादा कर दिया था, तो चलो जिम चलता हूँ बस।
तो आया हूँ, अब जिम जाते हैं फटाफट से, एक डेढ़ घंटा वर्कआउट करते हैं, आते हैं फिर रेस्ट करेंगे। और जितना भी हो सकेगा आज चाहे छोटा ब्लॉग आएगा मैं डाल दूँगा, पर ये ज़रूर समझना कि आज बहुत ज़्यादा टेंशन में, वो शेयर भी नहीं कर सकता ना, एक तो यूट्यूब की गाइडलाइंस भी है ना, वरना वो भी बता देता, यूट्यूब की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं बता नहीं सकता। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, चलता रहता है, नई नई डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं। जहाँ पर आप ये सोच लोगे ना कि हाँ अब काम हो गया, मेरी काम में तो कोई अड़चन ही नहीं आई, वही काम फंस जाता है, पर अपन रुकेगा नहीं, और फिर पुष्पा नहीं मैं भी नहीं झुकूंगा भाई, ऐसे ही चलूँगा तन के, जैसे अभी चल रहा था वैसे अब चलता ही रहूँगा भाई। जो मेरे साथ दो तीन लोग खड़े हैं ना, जो उनकी इतनी सपोर्ट है ना, गिर भी गया तो फिर क्या हो गया, दोबारा उठ के चल लेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेते। तो अब चलते हैं जिम, आपको जिम से फ्री होके मिलता हूँ। वर्कआउट तो हो गया और अच्छा लगता है वर्कआउट करके, तो देखते हैं कितने दिन आ पाता हूँ रेगुलर। तो अभी तो चलते हैं घर, वैसे भी अभी आने वाले डेज में कोई है नहीं ट्रिप प्लान, अभी कुछ दिन तो जैसी होगी वो एकदम से, जैसे मैं आके बताता हूँ कि आज बता रहा हूँ कल निकल रहा हूँ ऐसा बता दूँगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, अगर कोई सरप्राइज ट्रिप बन गई उसका कुछ कह नहीं सकते। तो चलते हैं घर की तरफ को और इसे ठक ठक के आगे चल के बात करते हैं। सो मैंने सोचा है कि कुछ एक चैलेंज करने का, मतलब मैंने नहीं सोचा, मुझे किसी ने सजेस्ट करा है, तो फिर मैंने उस पर सोचा कि कैसे होगा सब, वो सब अरेंजमेंट हो गया, बस सामान लेके आने वहाँ से जाके, और एक चैलेंज करूँगा मैं अपने मम्मी पापा के साथ, वो फ़नी होने वाला है, उसमें मम्मा भी आएंगे, बहुत फ़नी होने वाला है, और मैं पहले ही बता दूँ उसमें मेरे मम्मा का रिएक्शन देखने वाला होगा, जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ वो। तो कल या परसों मैं वो शूट करूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को शूट करूँ, क्योंकि पापा भी फ्री होंगे, अगर उससे पहले पापा की छुट्टी हुई कि कभी भी हो जाती है, पर बताते नहीं, वो मौके पर बताते हैं छुट्टी है मेरी आज, और जिस दिन पापा की छुट्टी हुई पहली जो भी छुट्टी आ रही है उस दिन पे कर दूँगा। बड़ा मस्त चैलेंज है, मज़ा आएगा देख के आप लोगों को, हमारा भी दिल खुश होएगा वो चैलेंज करके। तो कुछ हटके है ज़रूर देखना वो, हम तीन, मैं मम्मी पापा करेंगे ये चैलेंज, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे इसकी मेरी गारंटी है। तो उसका सामान लेके आऊँगा आज कल मैं जाके, फिलहाल तो चलता हूँ घर और आपको घर जाके मिलूँगा। सो गाइस वर्कआउट करके तो मैं आ चुका हूँ घर, अब रेस्ट करने का तो टाइम नहीं है क्योंकि व्लॉग भी अपलोड करना है, तो जितना अभी तक व्लॉग हो गया, और एक तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो मैंने ये प्रेफरेंस करी कि अगर मैं दिल्ली या गुड़गांव वगैरह शिफ्ट होता हूँ तो मैं ऐसी जगह वो लूँ फ्लैट जो सोसाइटी के अंदर हो, ये शोर शराबा ना है, फिर चुप होना पड़ता है बहुत, जो दिमाग में बोलना वही बात भूल जाता हूँ। तो अब एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ, जितना व्लॉग हो गया वो एडिट करता हूँ, थोड़ा बहुत और काम है मुझे वो करता हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा वॉक करने के लिए बाहर। जिम तो मैं लग गया हूँ, और अब तरुण गिल की वो ले लूँ क्लासेस लेनी शुरू कर दूँ, कि प्रोटीन शेक पियो तो विस्की में पियो, और मैगी खाया करो, मैगी खाना चाहिए, मैदा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तरुण गिल का लेना शुरू कर दो क्या क्लासेस, मज़ा आएगा भाई, कुत्ते की तरह हाँफता है वो जिम के अंदर, कुत्ते की तरह, मतलब ऐसा लगता है कि भाई 90% कार्बन डाइऑक्साइड वही छोड़ रहा है भाई, इतना हाँफता है, इतना हाँफता है ना वो। बहुत लोगों ने उसको रोस्ट भी करा है, अगर आपने नहीं देखी उसकी कोई भी रोस्ट, आप यूट्यूब पर जाके तरुण गिल लिखोगे, वो इकलौता ऐसा इंसान है कि जिस पे आप लिखोगे तो उसकी वीडियो से पहले उसकी रोस्ट की वीडियोस आएगी, क्योंकि इतना मजाक बना लिया उसने अपना, इतना मजाक बना लिया भाई, बेकार आदमी है, प्रॉपर स्टीरॉयड है, प्रॉपर स्टीरॉयड, और कर भी रहा होगा कुछ अच्छा, पर लोगों को अपने फॉलोअर्स को बुरा ही वो देता है कि विस्की पियो, बियर पीनी चाहिए, मैदा हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, और अजीब अजीब सी सलाहें, अजीब अजीब सी चीज़ें लेके बैठता है भाई उसके अंदर, जिम के अंदर आप, मतलब नॉनसेंस क्रिएटर है, पर लोग वो भी देखते हैं भाई। जब आप उसको बॉयकॉट करोगे उसका, और बॉयकॉट आप बॉलीवुड का कर रहे हो ठीक है, तो आप इसका भी तो देखो, छोटे छोटे क्रिएटर्स को आप फॉलो कर रहे हो, एक नहीं वो कितने लड़कों को, मान लो कम से कम अगर उसको 10,000 बंदा देख रहा है तो कम से कम 100 को तो वो करता ही होगा ना उस हिसाब से इन्फ्लुएंस,
क्योंकि जो एक इंसान है जो जिम जा रहा है उसको कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा, जो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं लगा रहा है, अपना टाइम नहीं दे पा रहा, अपने डाइट को नहीं दे रहा, तो उसको लगता है जो तरणवीर बोल रहा है वही ठीक है। तो अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, इनके दिमाग में है कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो अगर आप इनको डिफेम करोगे, इनको देखना बंद करोगे, इनको बायकॉट करोगे, तभी तो भाई यूथ आगे बढ़ेगा ना। ऐसे तो बेकार के लोग भाई देश ख़राब करने के लिए पैदा होते हैं देश में, और तो कुछ नहीं है। तो चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं, पार्क में टहलूँगा और फिर चलते हैं घर। सो गाइस, घर तो मैं आ चुका हूँ और अब करता हूँ इस व्लॉग का ही एंड। तो आज थोड़ा सा दिन ख़राब चल रहा था, तो ये चलो नेचुरल भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका दिन या आपका टाइम रोज़ हर एक जैसे ही चल रहा हो, अच्छा ही चले, बुरा चल रहा तो बुरा ही चले। हम थोड़े से क्रिएटर हैं, हमें वीडियो बना के थोड़ी सा ऑनलाइन शेयर करनी होती है, और वैसे भी आप लोग तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं अपने अच्छा टाइम भी आपको दिखाता हूँ, तो आज मेरा मूड अपसेट है वो भी मैंने आपको दिखाया। पर मैंने सारी कोशिश करी कि मैं जो भी हो रहा है आज मैं सब वो आपको दिखाऊं। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग एंड करता हूं, और ड्रिल तो आपको पता ही है, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए बाय बाय, लव यू।